नमस्कार। आज का टॉपिक है एज़ोला एंड एनाबिना एज़ोली। ये एज़ोला जो है बायोफर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग में आता है, और ये बायोफर्टिलाइज़र जितने पढ़ते हैं उसकी एक अगला जीनस है ये एज़ोला। तो ये अभी तक हम देख रहे थे सारे बैक्टीरिया हैं, अब साइनोबैक्टीरिया देख लिया हमने, बाकी सारे बैक्टीरिया थे दूसरे। अब ये जो है ये एक टेरिडोफाइट है और फर्न समुदाय की फर्न है, ये फर्न समुदाय की जलीय फर्न है जो विश्व के ट्रॉपिकल और टेम्परेट भागों में पाई जाती है। इसकी 6 जातियां प्राप्त है। मुख्य भारतीय जाति जो है वो एज़ोला पिन्नेटा है, और जो बाकी की जातियां हैं वो जैसे कैरोलियाना, दूसरी है जो फिलिक्यूलोट्स, मैक्सिकाना, निलोटिका, माइक्रोफिला, इस तरह से इसकी जो है ये 6 जातियाँ हमको प्राप्त है। इसका जो वर्गीकरण है लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न के अंतर्गत इसको रखा गया है, टेरोप्सीडा लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये जो फैमिली है वो साल्विनियल्स फैमिली ऑर्डर है इसका, और फैमिली जो है वो साल्विनियसी। यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है कि इसको साल्विनियसी या फिर एज़ोलेसी, तो साल्विनियसी फैमिली के अंतर्गत वैसे तो इसको रखा गया है, और ये जीनस है एज़ोला। सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी संरचना किस तरह की। तो जैसा हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है वो बीजाणुद्भिद पादप है, तो यह भी एक बीजाणुद्भिद पादप है और जलीय पादप है, जल में रहने वाली फर्न है ये, और जल में भी किस तरह से ये तैरती हुई फर्न है और बहुत ही छोटी होती है, साइज़ में ये बहुत ही छोटी है। ये कहाँ पर पाई जाएगी? जल में तो पाई जाएगी, लेकिन कैसे जल में? तो गड्ढों में जो पानी भरा हुआ होता है, पानी से भरे गड्ढों में या पोंड्स में, मतलब फ्रेश वाटर है ये, पाई जाती है। और इसका जो पादप है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित है। इसका जो राइजोम मतलब यानी कि तना जिसको हम कहते हैं, पतला, डेलिकेट और पिन्नेटली शाखाओं वाला होता है। जड़ें जो हैं वो पानी में नीचे की तरफ लटकती रहती हैं। पादप बहुत छोटा होता है और ये फर्न जो है पानी की सतह पर फैली रहती है, और जब ये फर्न तेज़ी से वृद्धि करती है तब यंग अवस्था में ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, और यंग अवस्था में जब ये तेज़ी से वृद्धि करती है तो हमको ये लाल रंग की एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। अब आते हैं हम इसकी पत्ती की संरचना किस तरह की होती है। तो राइजोम पर 2 पंक्तियों में एक एकांतर क्रम में सघनता से पाई जाती है, और जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई पानी की सतह पर फैली रहती हैं। प्रत्येक लीफ में 2 लोब समान साइज़ के पाए जाते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो इसकी लीफ है, ये जो एक पूरा एज़ोला का ये डायग्राम जो बता रहा है वो एज़ोला की पूरा एज़ोला है, पानी में जो पाए जाते हैं, नीचे की तरफ ये रूट्स पाई जा रही हैं, और ये बीच में जो है ये राइजोम से जिसके ऊपर सघनता से ये पत्तियां लगी हुई हैं। और ये पत्तियां देखो आप बाईलोब दिखाई दे रही हैं, हर जगह आपको 2-2 लोब दिखाई देंगे। तो ये 2 लोब की समान साइज़ के 2 लोब होते हैं। एक पत्ती को यदि हम देखें तो चित्र बी में आप देख सकते हो ये 2 लोब इस तरह से समान साइज़ के 2 लोब दिखाई देते हैं हमको। इसका जो ऊपरी लोब है, ये वाला जो ऊपरी लोब है, ये ऊपरी लोब जो है ये इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाया जाता है, और फोटोसिंथेटिक टिश्यू के रूप में पैलिसेट पैरेन्काइमा पाया जाता है। ऊपर की तरफ इसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, और नीचे की तरफ वाला जो लोब है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। इस तरह से आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, ये ऊपरी लोब है इसका इस डायग्राम के अंदर। तो ये पैलिसेट टिश्यू ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये पैलिसेट टिश्यू होता है, और नीचे की तरफ इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, नीचे की तरफ जो है वो एक कैविटी पाई जाती है। और इस कैविटी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है छोटी छोटी सी ये एनाबिना
नाम की एल्गी एनामिना एजोलिन एजोला के अंदर पाई जा रही है, इसलिए इसको एनामिना एजोली कहते हैं और ये सहजीवी के रूप में इसके अंदर पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया कह लो या इसको हम सियानोफिसी की एल्गी भी कह सकते हैं। और ये जो एल्गी है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है इसके अंदर। और इस लीफ की सतह पर, ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस लीफ की सतह पर इस तरह से हेयर लाइक कुछ पैपिलीज, ये जो दिख रहे हैं ये हेयर लाइक कुछ पैपिलीज पाई जाती हैं और लीफ में केवल एक वेन ही पाई जाती है। और ये जो दूसरा जो लोब है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला लोब है ये सबमर्ज्ड लोब, ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है और ये लगभग रंगहीन होता है और एक सेल की मोटाई का होता है। इसके बेस में कुछ क्लोरोफिल पाया जा सकता है और इसके जो थिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये लोब में एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के समान हमको दिखाई देता है। ये लोब जो है एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के समान दिखाई देता है। अब आते हैं हम स्टेम की संरचना किस तरह से दिखाई देती है। तो स्टेम की वृद्धि जो है वो एपिकल सेल से होती है और ऊपर की स्टेम की यदि हम आंतरिक संरचना देखें तो ऊपर की तरफ की जो लेयर है उसके अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है और उसके नीचे एरेनकाइमेटस कोर्टेक्स पाया जाता है जिसके अंदर एरिस्पेसिस पाए जाते हैं। स्टील जो है वो साइफनोस्टील प्रकार की होती है और जो कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की, जिसमें एक एक परत होती है। फ्लोएम सुविकसित प्रकार का पाया जाता है और जाइलम एलिमेंट्स जो है वो एक रिंग में होते हैं, किंतु इसके अंदर जो लीफ ट्रेसेस आ जाते हैं जिसके कारण से ये जो जाइलम एक रिंग में पाया जाता है ये जगह जगह से खंडित हो जाता है, टूट जाता है और पिथ लगभग इनमें अल्प विकसित होता है। अब रूट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो रूट्स के अंदर रूट कैप्स पाई जाती हैं और ये पानी के अंदर नीचे की तरफ फैली हुई होती हैं। यदि इसके आंतरिक संरचना देखें तो इसके अंदर ऊपर की तरफ एपिबेलमा और अंदर की तरफ कॉर्टेक्स जो कि बड़ी और पतली दीवार वाली सेल की बनी हुई होती है। जाइलम सकरा होता है, एक्सार्क और टेट्रार्क होता है, मतलब इनके अंदर क्या है, जाइलम सुविकसित प्रकार का, जैसा कि हाइड्रोफाइट्स के कैरेक्टर होते हैं उसी प्रकार से सुविकसित प्रकार का नहीं होता है। और यहाँ पर जो जाइलम है वो एक्सार्क और टेट्रार्क होता है। अब आते हैं ये इनमें स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है। तो जब सीजन का अंत हो जाता है, एनुअल सीजन का अंत होता है, तो अंत में प्रत्येक शाखा की लोअर मोस्ट लीफ पर स्पोरोकार्प बनते हैं और लीफ का जो समर्ज्ड भाग है, मतलब जो लीफ में जो दो लोब हैं उसमें से जो एक नीचे वाला लोब है वो पानी में डूबा हुआ है, तो वो समर्ज्ड भाग दो असमान भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग के टिप पर स्पोरोकार्प बनते हैं। दो स्पोरोकार्प में दो भागों में बट गया, तो बटने के बाद क्या होगा कि इसके जो टिप है, प्रत्येक भाग का जो टिप है उस पर स्पोरोकार्प बनते हैं और दो स्पोरोकार्प में बड़ा वाला भाग जो है वो मेल और छोटा वाला जो है वो फीमेल होता है, जो कि इंडूशियम के द्वारा, ये छोटा वाला जो फीमेल भाग होता है और इंडूशियम के द्वारा ये ढका होता है। इंडूशियम इनके बेस से विकसित होता है और परिपक्व होने पे ये दो परतों का हो जाता है और इसमें कुशन के समान संरचना विकसित होती है और इसके ऊपर स्पोरेंजिया बीजाणुधानिया बेसिपिटल क्रम में बनती है। मेगास्पोरेंजियम एक फ्लास्क शेप इंडूशियम से ढकी हुई होती है और एपेक्स पर एक सक्रिय स्लिट को छोड़ के मेगास्पोरेंजियम एक सिंगल लेयर से कवर्ड होता है। ये दोनों गैमेटोफाइट का निर्माण स्पोरोकार्प में ही हो जाता है। अब यहाँ पर दो तरह के मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, दो तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो दो तरह के गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ये गैमेटोफाइट का निर्माण भी इसी स्पोरोकार्प के अंदर ही होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है और चार क्वाड्रेंट्स इस जायगोट में बनते हैं और उसके बाद ये स्पोरोकार्प की वॉल से स्पोरोकार्प की वॉल फट जाएगी तो ये बाहर आ जाता है और नए स्पोरोफाइट का जन्म देते हैं।
अब ये जो है एजोला, हम इसका उपयोग एज ए बायो फर्टिलाइज़र उपयोग में लेते हैं इसको। तो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में ये बहुत ही कृषि में इसकी ऐतिहासिक भूमिका है, और इसको ज़्यादा उपयोग में इसलिए लिया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कैसे कि इसके अंदर एनाबिना एजोली नाम की एक एल्गी, सियानोफिसी की एल्गी पाई जाती है, जिसके कारण से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसके साथ ही इसको इसको जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमताओं के कारण इसको चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक या ग्रीन खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका सबसे पहले उपयोग चीन और वियतनाम में बायो फर्टिलाइज़र के रूप में चावल के खेतों में किया गया था। इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी है उसके साथ ही इसके अंदर 3.5% नाइट्रोजन और कई तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें कई एग्रोनॉमिक गुण पाए जाते हैं, जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, उसके साथ ही इसके अंदर उचित वातावरण में उच्च उत्पादकता तथा उच्च प्रोटीन सामग्री का पाया जाना, तथा जहाँ पर यह होते हैं वहाँ वाष्पोत्सर्जन कम करने की क्षमता भी इनके अंदर पाई जाती है। अब इस एजोला का विकास किस तरह से किया जा सकता है? तो एजोला का विकास और गुणन के लिए, चूँकि पानी में पाए जाने वाला प्लांट है ये, तो पानी इसकी मूलभूत आवश्यकता होती है और पानी की सतह पर ये वृद्धि करता है। तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं, तो ये 3.5 से 10 pH तक जीवित रह सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वृद्धि होती है वो 4.5 से 7 pH सीमा में ये मैक्सिमम वृद्धि करता है। और जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो होता है 30 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और यह 300 टन से भी अधिक सेंद्रीय पदार्थ पर हेक्टेयर पैदा कर सकता है, और यानी कि सेंद्रीय पदार्थ मतलब कि 300 टन से भी अधिक, मतलब यहाँ पर 400 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये पैदा कर सकता है। और 45 डिग्री सेल्सियस पर ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, और पूर्ण रूप से आंशिक छाया में ही ये बढ़ता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट इसके अंदर, जो हम कह रहे हैं कि यंग अवस्था में एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण ये लाल कलर की एल्गी हमको दिखाई देती है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है इसको प्रकाश की तीव्रता से इसकी रक्षा करता है। और इसकी सफल खेती के लिए 0.5 से 1 किलो फॉस्फेट उर्वरक पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल दिया जाता है, उसकी इसको आवश्यकता होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये लगभग 3 दिन में या 3 से 10 दिन में अपने इसका बायोमास दोगुना हो जाता है। अब इसका उत्पादन हम आर्टिफिशियल, मतलब हमको उत्पादन करना है तो हम इसका उत्पादन किस तरह से कर सकते हैं? तो ग्रीन मैन्योर के लिए एजोला का उत्पादन 3 प्रणालियों से किया जा सकता है। इसे मोनोक्रॉप के रूप में उगाया जाता है, फिर चावल के खेतों में रोपाई से पहले खाद के रूप में शामिल किया जाता है। मोनोक्रॉप के रूप में सर्दियों और बसंत की चावल की फसल के लिए चीन और वियतनाम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरक्रॉप के रूप में उगाया जाता है और चावल के रोपण के बाद एक शीर्ष ड्रेसिंग खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोक्रॉप और इंटरक्रॉप दोनों तकनीकी में चावल की फसल बोने से पहले एजोला के उगाने के लिए बनाई गई थी दोनों तकनीकी। अब इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं खेतों में? तो धान के खेतों में इसका उपयोग सफलता से किया जाता है। 2 से 4 इंच पानी से भरे हुए खेतों के अंदर हम 10 टन एजोला की रोपाई के पूर्व डाल दिया जाता है, पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल दिया जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपर 30 से 40 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट का छिड़काव भी कर दिया जाता है, तथा वृद्धि के लिए यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। और इसके उपयोग से धान की फसल में 5 से 15% तक उत्पादन में वृद्धि की संभावना रहती है। तो धान के खेतों में जब हम रोप लगाते हैं तो रोपाई से पूर्व ही इसको हम डाल देते हैं, उसके पश्चात चावल के रोप तैयार करके इसमें लगाए जाते हैं। अब
लेबोरेटरी में इसका कल्चर हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, या फिर मतलब व्यावसायिक तौर पर इसका कल्चर किस तरह से तैयार किया जाता है, तो पानी के पोखर या लोई की बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं उनके अंदर इसका कल्चर तैयार किया जा सकता है। तो पोखर या ट्री में 5 से 7 सेंटीमीटर हम पानी भर देते हैं और उसके अंदर फिर 100 से 400 ग्राम कल्चर हम प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी में मिला देते हैं और सूटेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन में ये दुगुना हो जाता है। फिर या तो इसको ड्राई कर लिया जाता है या फिर इसको इसी तरह से खेतों में चावल की जो कि बाद में इंटरक्रॉप जो रोपाई होती है उसके अंदर इस तरह से मिला दिया जाता है, या तो फिर सूखे पाउडर के रूप में हम इसको मिला देते हैं। इसकी उपस्थिति में इसकी लीफ में जो साइनोबैक्टीरिया एनाबेनाजोली पाई जाती है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के आवश्यक एंजाइम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो आवश्यक एंजाइम वो नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है वो इसमें पाए जाते हैं, जो कि इसमें सहजीवी के रूप में पाई जाती है और सहजीवी के रूप में पाई जाकर ये इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो इस तरह से हम एजोला और भारत में भी एजोला का उपयोग किया जा रहा है ग्रीन मैन्योर के रूप में और बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, भारत में भी चावल के खेतों में इसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही इसके अंदर चावल के खेतों में हम ये नॉस्टक और एनावेना एल्गी को भी उपयोग में ले रहे हैं। चावल की उत्पादक क्षमता इससे 5 से 15% तक उत्पादक क्षमता ये बायो फर्टिलाइज़र के उपयोग से बढ़ जाती है। धन्यवाद।